हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स, यानी कि हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन और माइनर लॉसेस और मेजर लॉसेस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ए पाइप ऑफ 15 सेंटीमीटर डायमीटर इज सडनली एनलार्ज्ड टू 30 सेंटीमीटर डायमीटर। द डिस्चार्ज थ्रू द पाइप इज 9 मीटर क्यूब पर मिनट। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हेड। लॉस ऑफ हेड यानी कि इस केस में ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पाइप जिसका इनिशियल डायमीटर 15 सेंटीमीटर था, सडनली एनलार्ज टू डायमीटर 30। ये सेक्शन वन, ये सेक्शन टू। इस सेक्शन में डायमीटर है 15 सेंटीमीटर, इस सेक्शन में डी टू है 30 सेंटीमीटर। डिस्चार्ज 9 मीटर क्यूब पर मिनट। सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेते हैं। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 9 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी कि 9/60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि 0.15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। डिस्चार्ज हम लोग के पास है डी वन इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर, एंड डी टू इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.30 मीटर। डिस्चार्ज हम जानते हैं डिस्चार्ज होता है क्यू इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। क्यू इक्वल्स टू ए वन वी वन, इनलेट के लिए ए वन वी वन, आउटलेट के लिए ए टू वी टू। फ्लो इनलेट टू आउटलेट इस डायरेक्शन में है। ए वन यानी कि पाई बाय फोर डी वन 0.15 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वी वन। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू यानी कि 0.15 इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर मल्टीप्लाइड बाई वी वन। यहाँ से वी वन आ जाएगा 8.488 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम लोग वी टू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो क्यू इक्वल्स टू ए टू वी टू भी होता है। तो यहाँ से 0.15 इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर 0.3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी टू। यहाँ से वी टू इज इक्वल्स टू 2.12 मीटर पर सेकंड। अब हम जानते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट एच एल, ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट ई इज इक्वल्स टू वी वन माइनस वी टू होल स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि 8.488 माइनस 2.12 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, यानी कि 2.067 मीटर ऑफ लिक्विड। ठीक है, बेसिक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हम लोग हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट निकाले हैं, जो कि एक माइनर लॉस होते हैं। इसमें हम लोग फ्रिक्शनल लॉस को कैलकुलेट नहीं किए हैं। अब आते हैं ना दूसरा न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए पाइप ऑफ लेंथ 2000 मीटर व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज 200 लीटर पर सेकेंड एंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 4 मीटर। टेक सी इज इक्वल्स टू 50। चूँकि सी का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम लोग जो सी जी इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन डेटा जो है उसको लिख लेते हैं। लेंथ 2000 मीटर, डिस्चार्ज 200 लीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लीटर को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं तो मीटर क्यूब में बदल जाता है,
तो ये 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एच एफ दिया हुआ है 4 मीटर और सी दिया हुआ है 50। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द डायमीटर। तो लेट द डायमीटर बी डी, डायमीटर को हम लोग डी मान लिए। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी, डिस्चार्ज से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि डिस्चार्ज 0.2 अपॉन एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब डी, डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसलिए डी को हम लोग डी ही रखते हैं। तो ये होगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन क्या है, वी इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट एम आई। अब सी हम लोग के पास है, एम और आई हम लोग कैलकुलेट करना होगा और वेलोसिटी हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। एम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये क्या होता है, डी अपॉन 4। आई क्या है, आई है लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, यानी एच एफ अपॉन एल। एंड I इज इक्वल्स टू एच एफ अपॉन एल, एच एफ का वैल्यू है 4 मीटर, लेंथ है 2000 मीटर, यानी कि 0.002। अब हम लोग ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। V इक्वल्स टू सी अंडर रूट एम आई। तो यहाँ से V का वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन पाई डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, यानी कि 50 अंडर रूट एम, यानी कि डी बाई 4 आई, यानी कि 0.002। यह आ जाएगा 0.00509 अपॉन डी स्क्वायर, अगर 50 को इस साइड ले लेंगे, इस साइड आएगा अंडर रूट डी बाय 4 मल्टीप्लाई 0.002। अब दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.00509 स्क्वायर अपॉन डी पावर 4 इज इक्वल्स टू डी बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.002। इधर 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डी टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू आएगा 0.0518, और यहाँ से डी इक्वल्स टू 0.0518 पावर 1/5, यानी कि 0.553 मीटर या फिर 553 मिलीमीटर। सो ये था दूसरा न्यूमेरिकल जिसमें लोग सीजी इक्वेशन यूज करके डायमीटर फाइंड आउट किए कोई एक पाइप का। अब देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर 200 मिलीमीटर व्हेन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए पाइप 500 मीटर अपार्ट इज 4 मीटर ऑफ वाटर, टेक एफ इज इक्वल टू 0.009। सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। डायमीटर 200 मिलीमीटर यानी कि 0.20 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर यानी कि 500, डायमीटर दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ए पाइप इज 500
4 मीटर, यानी कि जो हेड लॉस्ट है, चूंकि कोई एक पाइप है, लेंथ है 500 मीटर, अब इसमें अगर प्रेशर डिफरेंस आएगा तो क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि 1 से 2 तक जब फ्लो कर रहा है, सपोज 1 पे हेड का वैल्यू कुछ है और 2 पे हेड का कुछ वैल्यू है, अगर इस केस में लॉस होगा, इसलिए हेड का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए हेड 1 और 2 में जो हेड का डिफरेंस होगा वो होगा HF, यानी कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। चूँकि पाइप में कुछ बेंड नहीं है, कुछ दूसरा सडन एनलार्जमेंट या पाइप फिटिंग ये सब कुछ केस नहीं है, तो सिंपल पाइप हम कंसिडर किए हैं, तो इसमें सिर्फ फ्रिक्शनल लॉस होगा HF, जो कि दिया हुआ है 4 मीटर ऑफ वाटर। F इज इक्वल्स टू 0.009। हम लोग क्या जानते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन डार्सी इक्वेशन, HF इज इक्वल्स टू 4FLV² अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाई 2G, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाई F 0.009 मल्टीप्लाइड बाई L, यानी कि 500 मल्टीप्लाइड बाई V² डिवाइड बाई D, यानी कि 0.20 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई G, यानी कि 9.81। अब इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन बच रहा है, जो कि है वेलोसिटी, जो कि हम लोग HF का वैल्यू भी जानते हैं, इसको पुट कर देते हैं, HF इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.009 500 V² अपॉन 0.2 9.81। अब यहाँ से हम लोग V² को कैलकुलेट कर सकते हैं, V² आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.009 मल्टीप्लाइड बाई 500। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ये ऊपर चला गया, ये नीचे, इक्वल्स टू 0.0 0.872। अब यहाँ से हम लोग V का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट 0.872, यानी कि 0.9338 मीटर पर सेकेंड। हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिए हैं, हम लोग कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज, तो सिंपली डायमीटर हम लोग के पास है तो एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, तो यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया इज इक्वल्स टू 0.9338 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 D² डायमीटर कितना है 0.2, इसलिए 0.2 स्क्वायर, यानी कि 0.9338 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.04, ये आ जाएगा 0.0293 m³/s, ये अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा L/s, यानी कि 29.3 L/s। ऐसे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, डैट फॉर्मूला जो डार्सी इक्वेशन है या सीजी इक्वेशन है उससे, या फिर जो पाइप फिटिंग में जो जो हम लोग इक्वेशन यूज किए हैं, चाहे वो बेंड का हो, सडन एनलार्जमेंट का हो, सडन कंट्रैक्शन का हो, पाइप फिटिंग का हो या ऑब्स्ट्रकल का हो, जैसा केस रहेगा हम लोग उसी हिसाब से उस फॉर्मूला का यूज करके सिंपली हम लोग हेड लॉस निकाल सकते हैं। आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।